दोस्तों ग्लास यानी शीशे का इस्तेमाल आजकल कहां कहां नहीं हो रहा। हमारे वॉशरूम की दीवार हो या आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स की आउटर वॉल्स, हर तरफ शीशा ही तो लगा हुआ है, जो दिखने में तो वीक लग सकता है लेकिन अगर मजबूती पर आ जाए तो बुलेट प्रूफ भी बन जाता है, यानी गोली भी आर पार नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों कहते हैं कि शीशा कभी धोखा नहीं देता, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे शीशे आपको दिखाएंगे जिन्होंने वाकई धोखा दे दिया। तो चलिए देखते हैं इंसानों और जानवरों के हाथों से टूटने वाली शीशे की वो दीवारें जो एक्सपेक्टेशन से काफी कमजोर निकली। वैसे याद आया, जिस स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी तो ग्लास ही की बनी है। तो शीशे की इस दीवार के पार से एक काम ये कीजिए कि सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाओ, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। व्यूज, क्या आप जानते हो कि एक जहाज के पायलट को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? वो है बर्ड स्ट्राइक, यानी एक छोटा सा परिंदा भी अगर आके जहाज के इंजन या विंडस्क्रीन पर लगे तो वो जहाज क्रैश करवा सकता है। और इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस रॉब नामी इस पायलट को उस वक्त हुआ जब वो 20,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई कर रहे थे कि अचानक सामने से एक ईगल उनकी विंडस्क्रीन पर टकरा गया और उसे तोड़ डाला। तो इमेजिन कीजिए बेचारे रॉब की हालत के 20,000 फीट की बुलंदी से टूटी हुई विंडस्क्रीन के साथ तेज हवा के थपेड़े खाते हुए उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। वैसे दोस्तों जहाज में पैसेंजर विंडोज भी ग्लास की बनी होती हैं और उन्हें इस कदर मजबूत बनाया जाता है कि वो हवा के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। लेकिन लगता है कि एयर इंडिया का ये जहाज बनाने वाले एम्प्लॉय को टाइम पर सैलरी नहीं मिली थी, इसीलिए तो इस विंडो को लगाने में उसने ध्यान से काम नहीं किया और फ्लाइट के दौरान ही ये विंडो टूट कर अलग हो गई। लकीली ये जहाज की इंटरनल पैसेंजर विंडो थी, क्योंकि जहाज में एक्सटर्नल और इंटरनल दो विंडोज लगाई जाती हैं, और अगर बाहर वाली विंडो भी उड़ जाती तो जहाज के सैकड़ों मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर होती। चलिए कई हजार फुट की बुलंदी से लेकर आपको चलते हैं समंदर की गहराइयों में कि जहां डिस्कवरी चैनल के टीम मेंबर डिकी एक ग्लास डोर में बंद होकर मेगा शार्क्स को विटनेस करने के लिए गए। अब उन्हें तो खूब तसल्लियां दी गई थी कि शीशे के ये दरवाजे काफी मजबूत हैं, लेकिन पानी के अंदर जाकर ऐसा नहीं हुआ। कई फुट नीचे पानी में उनके ग्लास डोर्स एक्सपेक्टेशन से काफी वीक निकले और उनके लॉक टूट गए, और इसी दौरान डिकी को 5 मेगा शार्क्स ने घेर लिया, और यही नहीं बल्कि वो इसके शीशे के बॉक्स पर अटैक भी करना शुरू हो गई। और इस दौरान डिकी बेचारे अपनी जान बचाने के लिए टूटे हुए ग्लास के दरवाजे को हाथ से पकड़कर बैठे रहे। वैसे दोस्तों इंटरनेट पर ये वीडियो देखने के बाद काफी लोगों ने डिस्कवरी चैनल को क्रिटिसाइज भी किया था कि उन्होंने अपने टीम मेंबर को फौरी तौर पर बाहर निकालने की बजाय इस वाकये की वीडियो बनाना क्यों जरूरी समझा। और इसी बिना पर बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये डिस्कवरी चैनल का एक स्टंट था। आपको देखकर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने दुबई में दुनिया के सबसे बड़े एक्वेरियम का जिक्र तो जरूर सुना होगा कि जिसमें बड़ी बड़ी शार्क्स रखी गई हैं। इन शार्क्स के अलावा इसमें कई टन पानी का वजन भी होता है, इसीलिए इसे बड़े मजबूत ग्लास से बनाया जाता है। लेकिन दुबई की तरह चाइना के एक मॉल में भी शार्क टैंक तो रखा गया, मगर उसका शीशा इतना मजबूत नहीं था, और उस वक्त जब लोग शार्क्स को देख रहे थे तो वो एक्वेरियम टूट गया और शार्क सीधा लोगों पर आकर गिरी। लकीली इस वाकये में किसी की जान तो नहीं गई, मगर शार्क टैंक टूटने की ये वीडियो और इसकी तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई। व्यूज, इस इंसिडेंट के बाद भी चाइना में मॉल्स के अंदर शार्क टैंक्स रखने का काम बंद नहीं हुआ, और एक दूसरे चाइनीज मॉल की वीडियो भी दुनिया भर में वायरल हुई कि जिसमें एक फीमेल वर्कर शार्क के टैंक में गिर गई। अब अगरचे इस एक्वेरियम का ग्लास टूटा तो नहीं था, मगर शार्क्स को खुराक डालने के बाद किसी ने उसका दरवाजा बंद नहीं किया था, और ये फीमेल वर्कर वहीं से लुढ़ककर शार्क टैंक में गिर गई। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त शार्क्स हंगरी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस पर अटैक न किया और तब तक इसके साथियों ने आकर इसे वहाँ से निकाल लिया। दोस्तों दुनिया के अक्सर जू में ग्लास वॉल्स बनाई जाती हैं जिसमें शीशे के दीवार के एक तरफ वाइल्ड एनिमल्स और दूसरी तरफ इंसान होते हैं, और जब इन वाइल्ड एनिमल्स को गुस्सा आता है तो वो इन शीशे की दीवार पर अटैक भी करते हैं। और ऐसे कई वाकयात की वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद भी हैं, जिनमें कुछ तो ओरिजिनल हैं और कुछ फेक हैं। लेकिन इस सिल्वर बैक गोरिल्ला के ग्लास विंडो पर अटैक करने की वीडियो बिल्कुल असली है। आप देख सकते हैं कि बच्चे तो क्या बड़े भी गोरिल्ला को इस कदर करीब देखकर खासे एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे हैं, और अगर कोई खुश नहीं है तो वो खुद गोरिल्ला है। पहले तो ये सिल्वर बैक गोरिल्ला गुस्से से इधर उधर जाता रहा, लेकिन जब लोग उसे बार बार तंग करते रहे तो उसने यकदम इस ग्लास विंडो पर अटैक कर दिया और उसे तोड़ डाला। खुशकिस्मती से शीशे की वो खिड़की मुकम्मल तौर पर नहीं टूटी, और जू इंतजामिया ने फौरी तौर पर लोगों को वहाँ से हटाकर उसको रिपेयर कर दिया।
और दोस्तों गोरिल्ला की तरह राइनो भी कुछ कम ताकतवर जानवर नहीं है। जर्मनी के इस सफारी पार्क में जब एक जीब्रा कार राइनो के कुछ ज्यादा ही करीब चली गई और उसे टीज करने लगी तो राइनो ने भी फिर ऐसा गुस्सा दिखाया कि उस कार को पलटियां खानी पड़ी। और अगरचे इस सफारी पार्क की कार की विंडोज और विंडस्क्रीन स्पेशल ग्लास से बनाई गई थी लेकिन राइनो की टक्कर के सामने वो शीशा खासा कमजोर निकला। मगर दोस्तों इससे भी ज्यादा कमजोर तो इस गाड़ी का शीशा था कि जिसे इस जंगली रीछ ने आसानी से तोड़ा और कार के अंदर घुस गया, गाड़ी चलाने के लिए नहीं बल्कि वहां से कुछ चीजें उठाने के लिए। लकीली ये गाड़ी उस वक्त पार्किंग में थी और उसके अंदर कोई मौजूद नहीं था और लोग भी इस जंगली रीछ को भगाने की बजाय उसके शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर जाने के इस मंजर की वीडियो बनाते रहे। ये कपल अपनी गाड़ी का शीशा जरा सा नीचा करके जंगली रीछ को कुछ खिला रहे थे मगर लगता यूं है कि उस रीछ की भूख नहीं मिटी और मजीद मांगने के लिए जब उसने जोर लगाया तो गाड़ी का शीशा ही टूट गया। तब भाई साहब को अकल आई कि उनकी जान खतरे में है इसलिए फौरन वहां से वो भागते बने। और दोस्तों बड़े जंगली जानवरों की बात हो रही है तो छोटों को अंडर एस्टिमेट मत करना। चाइना के जू का ये बंदर तो दुनिया भर में फेमस हो गया था कि जब उसने यहाँ से फरार होने के लिए ग्लास वॉल को तोड़ने का आइडिया सोचा और देखे कैसे पत्थर मार मार कर उसने इस पूरी ग्लास वॉल को तोड़ डाला लेकिन जो ही उसके टूटने की आवाज़ सुनी तो फौरन डर कर भाग भी गया। अब इससे पहले कि बाकी जंगली दरिंदे टूटी हुई शीशे की दीवार देखकर भागते जू एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर ये रास्ता बंद कर दिया। दोस्तों हाथी राजा के गुस्से और ताकत को कौन नहीं जानता और सफारी राइड के दौरान जब ये फैमिली हाथी को टीज कर रही थी तो उसने सूंड के हल्के से इशारे से गाड़ी की विंडो तोड़ डाली। और हमें लगता है कि गाड़ियों की विंडो के शीशा कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। अगर आपका कोई दोस्त हैवी वेट है तो बैठते वक्त उसे कहना जरूर कि भैया आराम से दरवाजा बंद करना वरना आपके साथ भी ये हो सकता है। और हैवी वेट से याद आया कि इस खातून को तो हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन होना चाहिए कि जब बस ड्राइवर ने हॉर्न देकर इसे रास्ते से हटने को बोला तो इसे इस कदर गुस्सा आया कि मुक्का मारकर बस की विंडस्क्रीन ही तोड़ डाली। और अगर आप गौर से देखें तो अपनी इस ताकत पर ये खुद भी हैरान रह गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस लड़की की हमें समझ नहीं आई कि ये शीशे का दरवाजा खोलना चाहती थी या उसे तोड़ना चाहती थी और दरवाजा तलाश करते हुए ये तीन बार उस ग्लास वॉल से टकराई मगर इसकी जोरदार टक्कर से भी वो शीशा नहीं टूटा। जैसे वो उसे कह रहा हो कि पहले शीशे में अपना मुंह देखकर आओ। वो तो शुक्र है कि चौथी मर्तबा उसे असल दरवाजा मिल गया वरना शायद ये सारी जिंदगी इसी तरह शीशे की दीवारों से ही सर टकराती रहती। तो व्यूअर्स ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड जो यकीनन आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।